आज मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी अगर आपने मेरे स्टाइल से बनाई, और जो मैंने मसाले इसके लिए चूज़ किए हैं अगर वो मसाले आपने डाल लिए तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आधा किलो चिकन है जो कि जिसकी मैंने आज चिकन कढ़ाई बनानी है, और ये चार टमाटर हैं जो कि मैंने ये पीस लिए हैं, और ये इसके मसाले हैं, और ये दही है, और ये लेमन है, हरी मिर्च है, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ठीक हो गया ना? अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलें आए आप मेरे साथ, देखें मैं बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डालना है, खाली नमक, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये चिकन डालना है, अब मैंने इसको हल्के हाथ में हलाना है। आप बेफिक्र हो जाएं, ये रेसिपी बहुत अच्छे से बनेगी। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हमने दही डालना है। रंग चेंज हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें हल्का हल्का रंग चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब मैंने इसके अंदर दही डालना है, इसको ऐसे मैश करना है, ये इसके अंदर ही मैश हो जाएगा। दो या तीन मिनट हमने इसको भूनना है। और इसकी आंच थोड़ी सी तेज करनी है भूनने के दौरान। अब ये भून रहा है, दही अच्छे से मैश हो गई है, अब दही नज़र नहीं आ रही। अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं, वो कुछ यूँ हैं, एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हल्का सा नमक, और साबुत ज़ीरा पिसा एक, और ये एक गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये चाट मसाला है। अब ये मसाले सारे इसके अंदर जाएंगे, ये इसके अंदर चलेंगे। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ठीक है। नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मसाले इसके अंदर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब ये तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट इनको भूनना है, ये 3 से 4 मिनट तक भून जाएंगे तो फिर इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था जो हमने इसके अंदर डालना है, ये देखते हैं। अब हमने इसको लहसुन और अदरक को अच्छे से भूनना है। आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा कि ये अच्छे से भून गया है, तो आ रही है इंशाल्लाह
आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैंने पीसी हुई हरी मिर्च डालनी है। ये डल गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हरी मिर्च की खुशबू आ रही है। इसको हमने एक या दो मिनट तक भूनना है। फिर हमने इसके अंदर जो चार टमाटर हमने मैश करके रखे थे वो इसके अंदर जाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है और इसके ऊपर हम 5 मिनट के लिए ढक्कन देना है। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन खोलते हैं। देखिए नाज़रीन, अब इसकी खुशबुएं भी बहुत अच्छी से आ रही हैं और ये अच्छे से मैश हो गया है। अब देखें नाज़रीन, अब ये माशाल्लाह से अच्छे से भुन गया है। अब इसकी खुशबुएं बहुत ज़्यादा से आ रही हैं और इसकी चंद मिनट बाद इसका चिकन गल जाएगा, ये फाइनल हो जाएगी। इसके ऊपर मैं ढक्कन देती हूँ। हमने इसके अंदर लेमन का जूस डालना है, फ्रेश लेमन का जूस, एक अदद फ्रेश लेमन का जूस। इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ गई है। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए ढक्कन देना है। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत खुशबुएं आ रही हैं, ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही हैं। अब हम तूफ़ानी किस्म की खुशबुएं आ रही हैं, आपको देख के ख़ुद से ही अंदाज़ा हो गया होगा। तो अब हम चूल्हा करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। डिश आउट कर दें, ये हम डिश आउट कर रहे हैं। गार्निश करनी है। ये सूखी मेथी है, ये हमने इसके ऊपर डालनी है और ये हरी मिर्च कटी हुई इसके ऊपर डालनी है और ये 2 लेमन इसके ऊपर डालने हैं। अब ये डिश हो गई है तैयार। अब हमने इसके साथ सलाद रखनी है। 1 मिनट नॉन स्टॉप करना चटनी। अब हमने डिश आउट कर दिया है, सालन आपके सामने रख दिया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये है हमारा सलाद और ये है हमारी चटनी। और चटनी के अंदर जो रेसिपी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें पुदीना है, हरी मिर्च है, नमक है और दाल चाट मसाला है और ये साबुत ज़ीरा है जो हाथों पे ज़रा सा मसल के इधर रखा है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं और ये मैश करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर दही के अंदर डाला है। और नाज़रीन, ये मेरी आज की थी चिकन कढ़ाई रेसिपी, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।